19 जनवरी 2021 ब्रिस्बेन का मैदान, जहां बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के दौरान चौथे टेस्ट के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया के 328 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया। सभी यही सोच रहे थे कि टीम इंडिया इस टेस्ट को ड्रॉ कराने के इरादे से खेलेगी, लेकिन उस दिन टीम इंडिया के जाबाजों के इरादे कुछ और ही थे। उनका तो बस एक ही लक्ष्य था कि कैसे कंगारुओं को उनकी ही धरती पर मात देते हुए उन्हें उनकी असली जगह दिखाई जाए। अंत में अपनी मजबूत इरादों को जीत की शक्ल देते हुए टीम इंडिया के धुरंधरों ने इस टेस्ट को जीतकर एक इतिहास रच दिया। हालांकि इस ऐतिहासिक जीत में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने इस मैच में ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को पूरी तरह तोड़ते हुए इस मैच को टीम इंडिया के पक्ष में करके रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टीम इंडिया के उभरते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बारे में, जो लगातार अपने शानदार खेल की बदौलत टीम इंडिया के एक अहम कड़ी बन चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी के जिंदगी और करियर के बारे में। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को भारत के उत्तराखंड स्थित रुड़की नामक जगह में राजेंद्र पंत और सरोज पंत के यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनका पूरा नाम ऋषभ राजेंद्र पंत है। ऋषभ दो भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनसे बड़ी एक बहन है जिनका नाम साक्षी है। ऋषभ जब थोड़े बड़े हुए तब उनके पिता ने ऋषभ का एडमिशन द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में करा दिया, जहां से ऋषभ ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। ऋषभ को स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेलने में काफी मन लगता था, इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय पढ़ाई करने के बजाय क्रिकेट खेलने में बिताते थे। वो बचपन से ही ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज रहे एडम गिलक्रिस्ट को अपना आदर्श मानते थे और बड़े होकर उनकी ही तरह बनना चाहते थे। बेटे के क्रिकेट के प्रति पैशन को देखते हुए उनके माता पिता ने भी ऋषभ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी बीच 12 साल की उम्र में ऋषभ को एक टैलेंट हंट के जरिए दिल्ली स्थित सोनेट क्रिकेट अकेडमी में तारक सिन्हा के गाइडेंस में ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां उन्हें हर हफ्ते 2 दिन क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये वही तारक सिन्हा है जिन्होंने शिखर धवन और आशीष नेहरा जैसे विश्व स्तरीय क्रिकेटरों को कोचिंग दी है। चूंकि ऋषभ अभी छोटे ही थे, इसीलिए वो हर वीकेंड अपनी माँ के साथ दिल्ली आया करते थे और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद साउथ दिल्ली के मोती बाग स्थित गुरुद्वारा में रात बिताया करते थे, जहां उन्हें लंगर में जो भी खाने को मिलता उससे अपना पेट भरते और फिर दूसरे दिन दोबारा ट्रेनिंग पर चले जाया करते थे। तारक सिन्हा के गाइडेंस में खेलते हुए ऋषभ की बैटिंग स्किल्स में काफी निखार आ गया था और उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी काफी जबरदस्त हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से गेंद को हिट करने लगे थे। बाद में अपने कोच के सुझाव पर ऋषभ पंत राजस्थान चले गए, जहां ऋषभ ने राजस्थान की अंडर 13 और अंडर 15 टीम की तरफ से खेलते हुए अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। लेकिन बाद में वो वापस दिल्ली आ गए और यहां आकर अलग अलग एज लेवल क्रिकेट में खेलते हुए काफी रन बनाए। जूनियर क्रिकेट में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऋषभ साल 2015 में दिल्ली की रणजी टीम में भी सिलेक्शन पाने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने 22 अक्टूबर 2015 को बंगाल के खिलाफ खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने दूसरी पारी में 57 रनों की उम्दा पारी खेलते हुए मैच को ड्रॉ कराने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें साल 2016 में बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाली भारतीय अंडर 19 टीम में भी जगह दी गई, जो कि ऋषभ के करियर का एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। इसी वर्ल्ड कप में नेपाल के खिलाफ एक ग्रुप मैच के दौरान दुनिया ने पहली बार ऋषभ पंत के आक्रामक बल्लेबाजी का एक नजारा देखा। इस मैच में उन्होंने महज 18 गेंदों में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाकर एक रिकॉर्ड ही सेट कर दिया था। फिर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी नामीबिया के खिलाफ मैच विनिंग शतकीय पारी खेलकर वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए थे। हालांकि अंत में भारतीय टीम फाइनल में वेस्टइंडीज से 5 विकेट से हार गई, लेकिन इस वर्ल्ड कप के दौरान ऋषभ ने अपनी बैटिंग टैलेंट से सभी को काफी प्रभावित किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में किए गए ऋषभ के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर साल 2016 के आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम ने उन्हें 1.9 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। ऋषभ ने यहां भी अपनी टीम को निराश नहीं किया और अपने तीसरे ही आईपीएल मैच में गुजरात लॉयंस के खिलाफ खेलते हुए 40 गेंदों में 69 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और अपने सिलेक्शन के फैसले को सही ठहराया। इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के एक मैच में खेलते हुए ऋषभ ने
308 रनों की एक और शानदार पारी खेली और ये साबित किया कि वाकई में वो एक लंबे रेस के घोड़े हैं। फिर इसी रणजी सीजन के दौरान झारखंड के खिलाफ खेलते हुए ऋषभ ने महज 48 गेंदों में शतक लगाकर भारत की तरफ से फास्टेस्ट फर्स्ट क्लास 100 बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया था। आखिरकार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन पर टीम इंडिया के सिलेक्टर्स की नजर पड़ी और उन्हें 1 फरवरी 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अपना डेब्यू करने का मौका दिया गया, जहां वो 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऋषभ का अभी इंटरनेशनल करियर बस शुरू ही हुआ था कि अप्रैल 2017 को एक रात अचानक हार्ट अटैक की वजह से ऋषभ के पिता उन्हें छोड़कर दुनिया से चले गए। ऋषभ इस दौरान आईपीएल में खेल रहे थे। पिता की अचानक मौत की खबर ने ऋषभ को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने खेल को कभी प्रभावित नहीं होने दिया और पिता के निधन के 2 दिन बाद ही वापस लौटकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 57 रनों की शानदार पारी भी खेली। फिर साल 2018 के आईपीएल सीजन में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए नाबाद 128 रनों की एक और शानदार पारी खेलकर सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके अलावा वो 684 रनों के साथ इस आईपीएल सीजन के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने, जिसके बाद उन्हें इसी साल इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टेस्ट टीम में भी शामिल कर लिया गया। इस तरह 18 अगस्त 2018 को ऋषभ ने इंग्लैंड के खिलाफ ही खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना कदम रखा और पहली गेंद पर ही छक्का लगाकर ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव भी अपने नाम किया। फिर इसके बाद अपने करियर के तीसरे ही टेस्ट में 114 रनों की लाजवाब शतकीय पारी खेलकर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना दिया। इसके बाद तो ऋषभ को जब भी मौका दिया गया उन्होंने हर बार अपने बल्ले से उम्दा प्रदर्शन किया। टेस्ट क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित करने के बाद उन्होंने इसी साल अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए ओडीआई क्रिकेट में भी अपना कदम रखा, जहां उन्हें बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। आगे के मैचों में बेशक उन्हें मौका मिला, लेकिन ऋषभ इस दौरान फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट में किए गए अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में खेलते हुए ऋषभ ने आखिरकार फॉर्म में वापसी की और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 159 रनों की मैच सेविंग पारी खेली। इसी साल इंग्लैंड में खेले गए ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान शिखर धवन के इंजर्ड हो जाने की वजह से ऋषभ पंत को अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने का भी मौका मिला, जहां उनका प्रदर्शन बस ठीक ठाक ही रहा था। सितंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलते हुए ऋषभ ने भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 डिसमिसल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम दर्ज था। साल 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को भला कौन भुला सकता है, जहां उन्होंने तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 102 रनों पर 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में खड़ी टीम इंडिया को 97 रनों की उम्दा पारी खेलकर मैच को ड्रॉ कराने में अपना अहम योगदान दिया। फिर चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 328 रनों के मुश्किल टारगेट को चेज करने के दौरान उन्होंने अपना सारा अनुभव झोंकते हुए कंगारुओं के मुंह से जीत को बाज की तरह झपट लिया था। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए 89 रनों की शानदार पारी खेली और अंत में टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को उनकी ही धरती पर तोड़ते हुए ये टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतकर एक इतिहास रच दिया और इस जीत के हीरो बने ऋषभ पंत। इसी टेस्ट के दौरान ही ऋषभ पंत भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 1000 रन पूरे करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज भी बने। आज ऋषभ पंत जिस तरह से एक मैच विनिंग क्रिकेटर के तौर पर उभर कर दुनिया के सामने आए हैं, उसके पीछे भारत के महान बल्लेबाज रहे राहुल द्रविड़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। दरअसल जब ऋषभ इंडिया ए की तरफ से खेल रहे थे, तब उस दौरान टीम के कोच रहे राहुल द्रविड़ ने ऋषभ की बैटिंग टेक्निक पर काफी काम किया था। वो इस दौरान घंटों तक नेट के पास खड़े रहकर ऋषभ की बैटिंग टेक्निक को एनालिसिस करते, फिर उन्हें इम्प्रूव करने में उनकी मदद करते थे। यही वजह है कि आज ऋषभ के शॉट सिलेक्शन की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने तो ऋषभ पंत के शानदार खेल को देखने के बाद उन्हें अगला एडम गिलक्रिस्ट तक कह दिया था। ऋषभ पंत जैसे जैसे अपने करियर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका प्रदर्शन और भी निखरता जा रहा है। उम्मीद है आगे भी वो अपने मैच विनिंग परफॉर्मेंस को इसी तरह जारी रखते हुए टीम इंडिया के लिए एक मैच विनर साबित होंगे। तो दोस्तों ये तो थी टीम इंडिया के उभरते हुए मैच विनर ऋषभ पंत की अभी तक की शानदार क्रिकेटिंग सफर की एक छोटी सी दास्तां। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।